नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश राठौर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो दिन पहले रिलीज हुई फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी में सोनाक्षी सिन्हा लीड एक्ट्रेस है। यह फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का सिक्वल है। इस फिल्म में डायना पेंटी लीड थी, लेकिन सेकंड वाली फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा लीड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे खासे रिव्यू मिले हुए हैं और एक ये कॉमेडी और रोमांटिक मूवी है। जी हाँ, तो इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन रहा 2,87,00,000 रुपए, जो कि हैप्पी भाग जाएगी से थोड़ा सा ज्यादा है। जैसा आपको बता दूं कि हैप्पी भाग जाएगी पहले आई थी और इस फिल्म का कलेक्शन रहा था 2,32,00,000 रुपए, लेकिन हैप्पी फिर भाग जाएगी का कलेक्शन रहा मात्र 2,82,00,000 रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 4,10,00,000 रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन हो चुका है 6,87,00,000 रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को आज अच्छी ओपनिंग मिली है और रक्षाबंधन है, इसलिए इस फिल्म के कलेक्शन में आज थोड़ी उछाल आ सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छुट्टी वाले दिन काफी भीड़ लगी रहती है सिनेमा घरों में, तो आज के दिन यह फिल्म कम से कम 6 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 13 करोड़ रुपए और यह फिल्म हैप्पी भाग जाएगी के वीकेंड कलेक्शन को पार कर देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म से अपना कैरियर में कमबैक कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।